क्या किया इसके लिए क्या है, मुझे बहुत खुशी है। ठीक है बच्चों, और आज आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, यानी कि मैं आज चैप्टर सेकंड शुरू कर रहा हूँ, जो कि क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपके लिए, और मैं क्लास टेंथ के जो प्यारे प्यारे बच्चों हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप क्या करिए, इस चैप्टर को देखिए, इस चैप्टर के लेक्चर को वॉच करिए, अच्छे से वॉच करिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 100% है ये आपसे डेली लाइफ से रिलेटेड है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई और वीडियो देखो वो अलग चीज है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, और 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि जो ये लेक्चर जिससे रिलेट बना हुआ है, जिस चैप्टर से उठाया गया है, उसका एक एक पॉइंट आपके जहन में घुस जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एक टॉपिक आपको मैं क्लियर करा दूंगा, और आज के बाद इस लेक्चर को देखने के बाद इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की भी मैं 100% गारंटी रखता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। आप पूरे संसार को देखते हैं, पूरी दुनिया को देख रहे हैं, सोचो कैसे देख रहे हैं, सोचो कि आप वो क्या चीज होता होगा, ये हमारे हेड के अंदर, हमारे आंख के अंदर वो कौन सा फंक्शन होगा जिस फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। ये रेनबो कैसे बन जाता है, रेनबो जो होता है वो कैसे बन जाता है, सन हमारा जब सेट होता है या फिर जब राइज होता है, यानी कि सूर्य जब उगता है या फिर जब डूबता है, लाल ही क्यों दिखाई देता है। जब आप मून से स्काई को देखते हैं, आकाश ब्लैक क्यों होता है, काला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, आप क्या करिए, एक कप वाटर ले लो और उस वाटर में आप लेजर लाइट मारो, आप उसका पाथ नहीं दिखाई देगा, उसका रास्ता दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब उस वाटर के अंदर आप डिटर्जेंट पाउडर, यानी कोई भी कह सकते हैं कि आप कुछ भी डाल दीजिए लिक्विड टाइप का, वो दिखने क्यों लगता है उसका रास्ता, ये कौन बताएगा भाई। यह आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, और इस फेनोमेना को कैसे क्लियर कर पाओगे, ये कौन बताएगा, ये चैप्टर आपको, जो कि क्या है, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि रंग बिरंगा संसार। ये हमारा वास्तव में जो वर्ड है वो कलरफुल है, डिफरेंट टाइप्स के फेनोमेना हो रही है, आपके आमने सामने ही हो रहा है, आप चल रहे हैं तब भी कुछ हो रहा है, आप सब किसी को देख रहे हैं, किसी कलर को देख पा रहे हैं, लाल होता है, पीला होता है। कभी आपने सोचा कि जो मुर्गा होता है हमारा दिन में सो जाता है, शाम के टाइम सो जाता है जल्दी से और सुबह उठ जाता है, उल्लू जो होता है हमारा रात में भी देखता रहता है, ऐसा क्यों होता है, कुछ तो स्पेशल रीजन होगा ना, जिस रीजन के तहत क्या करते हैं वो देख सकता है। तो स्टूडेंट यही सब आज बात होगा आपको, ये सब मैं बताऊंगा इस लेक्चर में, तो कुछ करना नहीं है, मैं 100% गारंटी लेता हूं ये लेक्चर देखने के बाद आज आपको ह्यूमन आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो चैप्टर है आपकी डेली लाइफ से बिलोंग करता है, यानी कि आप जो कुछ भी लाइफ में सीखे देख रहे हैं उसी के बारे में बता रहे हैं। तो क्यों हम इस चैप्टर को स्किप करें, इस चैप्टर को एसएम थ्योरी रट्टाफिकेशन क्यों मार दें, रट्टाफिकेशन नहीं, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, क्या हो रहा है फिर इसके अंदर वो क्या चल रहा है। आप रट लेते हैं, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, आप क्लास टेंथ में है तो अभी से क्या करिए, क्लास टेंथ के कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखते चलिए, जिससे आपको बाद में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों में बिना मैं टाइम लॉस किए स्टार्ट करता हूं क्लास को, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या करिए, इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, जितने भी दोस्त हों सबके पास शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उनको फिजिक्स का मतलब समझ में आए, क्योंकि ये चैनल फिजिक्स को पढ़ाता नहीं है, ये चैनल आपको फिजिक्स का फील देता है, फिजिक्स को फील कराता है, कॉन्सेप्ट को सिखाता है,
पढ़ाना अलग चीज होता है, फील कराना अलग चीज होता है। जो ये चैनल है आपको फील कराएगा ना कि पढ़ाएगा। ओके, तो इस चैप्टर का मैंने आज फर्स्ट लेक्चर लिया है ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? ह्यूमन आई के बारे में। तो ये मेरा आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली ह्यूमन ह्यूमन आई के बारे में, यानी कि नेत्र क्या होता है, हमारा नेत्र के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे वो पार्ट काम करते हैं, उसका क्रम क्या है। सत्र के क्रम लोग उसको भूल जाते हैं, देखो इतना पार्ट का नाम लिख रहा हूं, उसको भूल जाते हैं, बट मैं गारंटी रखता हूं आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म समझ में आएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे हो रहा था उस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैं बताना चाहूं जो ह्यूमन आई होता है ये एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है। जब आप कोई चीज देखते हैं ना तो तुरंत उसको विजिबल कर पाता है। आप किसी चीज को सामने गए उसको क्या कर पाता है? विजिबल कर पाता है। बहुत सेंसिटिव होता है लाइट के लिए। आप आंख को बंद भी किए रहेंगे अगर आपके आंख पे लाइट चली गई तो तब भी क्या हो जाएगा? सेंसिटिव होगा। और तो आप बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन आई होता है एक सेंसिटिव ऑर्गन है। ह्यूमन आई क्या होता है? एक आपका सेंसिटिव ऑर्गन है। और स्टूडेंट नोट्स कोई बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझ में आता है, नोट अपने आप बनता है। तो जो ह्यूमन आई होता है एक क्या है? सेंसिटिव ऑर्गन है। तो अच्छा, इसका सेंसिटिव ऑर्गन होने से क्या मतलब? ऐसे हो जाए सेंसिटिव, हमारे बॉडी के अंदर बहुत ऐसा जो ऑर्गन सेंसिटिव है, बट ये अलग है भाई। ये क्या है? सेंसिटिव ऑर्गन तो है बट इसी की वजह से आप लाइट को देख पाते हैं, सॉरी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसमें मदद कौन करता है? लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में कौन मदद करता है? लाइट। लाइट मदद करता है, इसीलिए तो भाई लाइट में आया है, नहीं तो लाइट का क्या लेना देना था इस चैप्टर से। तो आप से दिमाग में अपने क्लिक करिए, ह्यूमन इज अ काइंड ऑफ अ सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इनेबल अस टू सी अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट। यानी कि जो ह्यूमन आई होता है ये हमारी बॉडी का एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, या कह सकते हैं जो हमें क्या करता है, अपने अराउंड में देखने में बहुत मदद करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट नहीं होगा तो नहीं देख पाओगे, ठीक है ना? लाइट नहीं होगा तो आप नहीं देख पाएंगे, बट हाँ ये सेंसिटिव ऑर्गन है। और अगर लाइट है तो लाइट में क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट को विजिबल कराता है। तो आप अपने दिमाग में क्या क्लिक करेंगे? ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट। ये क्या है? सेंसिटिव ऑर्गन है। और इससे क्या होता है? ऑब्जेक्ट सीन होता है, कोई वस्तु दिखाई देती है विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब ह्यूमन आई इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इसका फिगर देखो मैं दिखाया हूं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग फिगर होगा, तो बट डोंट वरी, जो मैं फिगर बनाया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा और आसानी समझ में आएगा। तो अभी ह्यूमन आई का पार्ट क्या क्या होगा, वो पार्ट कैसे कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हम डीपली समझते हैं। जो ह्यूमन आई होता है स्टूडेंट, ये उसके मैंने फंडामेंटल पार्ट के बारे में लिखा है। फंडामेंटल पार्ट जो आपके यहां पे है, तो उसका पहले ऑर्डर देखिए, सिरेटिक होता है, कोराइड होता है, कॉर्निया होता है, आरिस होता है, प्यूपिल होता है, आइलेंस होता है, सिलरी मसल्स होता है, एक्वोसीमर होता है, विट्रियोसीमर होता है, और ब्लाइंड पॉइंट कुछ बुक्स में इसको स्पॉट भी देते हैं स्टूडेंट। क्या देते हैं इसमें? इसको हम स्पॉट भी राइट कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? येलो स्पॉट क्या होता है? ये सब चीजें हैं, ये सब पार्ट हैं। आप लोग इसको लर्न करिए, और भी पार्ट हैं, सिरेटिक, कोराइड, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आइलेंस, सिलरी मसल्स, एक्वासीमर, विट्रियस ह्यूमर, ब्लाइंड पॉइंट, और क्या है? येलो पॉइंट। और भी है, कोन के बारे में भी बताएंगे, आईकोन भी होता है। तो देखो सबसे पहले सिरेटिक क्या होता है? जो सिरेटिक होता है ये ह्यूमन आई का आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है। यानी कि ह्यूमन आई अगर आप देखेंगे ना, इसका जो बाहर का जो है, ये पार्ट जो बाहर का दिख रहा है बिल्कुल ऊपर का,
आउटर मोस्ट पर सबसे बाहर का भाग पूरा ये दिख रही है। आप जो दिख रहा होगा ब्लैक येलो कलर का दिख रहा होगा, सॉरी व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, तो जो येलो कलर व्हाइट कलर का जो दिख रहा है यही क्या आपका सिरेटिक होता है। पूरा का पूरा जो आउटर मोस्ट पार्ट है ह्यूमन आई का वही क्या होता है सिरेटिक होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है प्रोटेक्ट करता है हमारी आंखों की रक्षा करता है, किससे एक्सटर्नल विटल से, बाहरी आघातों से क्या करता है हमारी आंखों की रक्षा करता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सिरेटिक होता है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आईज कॉल्ड द व्हाट सिरेटिक, इट प्रोटेक्ट्स आवर आईज फ्रॉम एक्सटर्नल विटल। यानी कि जब आपकी आंखों पर कोई बाहरी आघात होता है, कोई चोट मारता है, स्टक करता है, तो क्या करता है उससे प्रोटेक्शन मिलाता है। समझ में आई बात, ठीक है ना? तो ये क्या करता है आउटर मोस्ट पार्ट, ये होता है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन इज व्हाट सिरेटिक। अब क्या होता है स्टूडेंट, सिरेटिक के बिहाइंड देखो ना आप लोग, इसमें नहीं दिखाया गया बच्चों, ये दो पार्ट उन्होंने दिखाया है, बट ये क्या होगा इसके ऊपर रहता है और इसके पीछे। अब देखो क्या होगा, सिरेटिक के बाहर, सिरेटिक के पीछे बिहाइंड सिरेटिक के बाहर क्या होता है एक पिगमेंट होती है, एक क्या होती है ब्लैक पिगमेंट होती है। अब ये ब्लैक पिगमेंट करती क्या है, जो आपका ब्लैक पिगमेंट है ये क्या करती है वो देखिए, जो ब्लैक पिगमेंट है ध्यान से क्या समझ में आया, ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर क्या करता है भाई, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक कलर देख रहे ना, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो यह क्या करेगा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले देखो ध्यान से, यह सिरेटिक हुआ, सिरेटिक क्या था सबसे ऊपर था और विटल को क्या कर रहा था प्रोटेक्ट कर रहा था, यानी कि जो आपके ऊपर प्रहार होता है आंखों पर जो स्टैंडर्ड स्टक कुछ भी होगा उस पर क्या करके प्रोटेक्शन लाएगा ये। और इसी के पीछे यानी कि अगर मैं आपको इसको यहां पे दिखाऊं यहां पे इस तरीके से, तो उसके अंदर उसके पीछे जो होगा पहले ये फिर उसके पीछे इस तरीके से कौन होता है कोराइड होता है। अभी क्या कहता है बिहाइंड में होता है ब्लैक पिगमेंट होती है, बिहाइंड ब्लैक पिगमेंट होती है। अब ब्लैक कलर का अगर है ये पिगमेंट में समझ सकते हैं झिल्ली टाइप का होता है, एक लेयर होती है ब्लैक कलर का। ये करती क्या है, ये कोराइड आपका होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट होने नहीं देती है, यानी कि कोई भी लाइट अगर आपके अंदर चली गई आपके अंदर उसको ये रोकता है कि वो बाहर ना जाने पाए। पूरे का पूरा जो लाइट का अमाउंट होगा वो कहां चली जाए, अंदर चली जाए, ठीक है। अब कॉर्निया, अब जो अभी मैंने आपको बताया जो सिरेटिक होता है पूरा हो गया, सिरेटिक हो गया, अब उसके बाहर उसको देखिए थोड़ा सा एक बल्गिंग पार्ट होगा। ये क्या है बल्गिंग पार्ट, देख रहे हैं ना यहां पे, ये क्या था पूरा देख रहे हैं बल्गिंग पार्ट है, उभरा हुआ भाग है। ये क्या जो बल्गिंग पार्ट यहां पर दिख रहा है, इसी बल्गिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं कॉर्निया, बल्गिंग पार्ट। बल्गिंग पार्ट तो है बट ये किसका बल्गिंग पार्ट है, सिरेटिक पे, सिरेटिक पे क्या है बल्गिंग पार्ट है भाई, क्या है सिरेटिक का एक बल्गिंग पार्ट है। ये उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है ना इसी को हम क्या बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं, और लाइट सबसे पहले कॉर्निया पे गिरती है। समझ में आया, ब्लैक कलर का होता है ठीक है ना, और ये ट्रांसपेरेंट, बहुत बड़ी बात है यह ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है स्टूडेंट ट्रांसपेरेंट, बहुत ध्यान समझिए। अगर आपको नोट जरूरत होगी नोट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, नीचे लिंक पे जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जस्ट मैं आपको भेज दूंगा। तो कोराइड हुआ, तो सिरेटिक का जो बाहर का ये उभरा हुआ भाग है इसको हम क्या बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं, और लाइट सबसे पहले किस पे गिरती है कॉर्निया पे। देखो भाई आपको देखो जो ब्लैक कलर का थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा बल्गिंग टाइप का वही क्या होता है कॉर्निया होता है।
और लाइट सबसे पहले क्या होता है, अगर लाइट आएगा सबसे पहले क्या होगा, इसी पे गिरेगा, इस पे कॉर्निया। यानी कि मैं लाइट की अगर बात करूं, लाइट सबसे पहले क्या करता है, ह्यूमन जब इंटर करता है तो किस पे गिरेगा, वो कॉर्निया पर ही गिरता है। किस पे गिरेगा, कॉर्निया पे गिरता है। अब होता है क्या स्टूडेंट, ये आयरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भूरा होता है, किसी का देखो कि भूरा होता है, किसी का काला होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयरिस। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ओपेक होता है, बट बिहाइंड द कॉर्निया होता है, बिहाइंड द कॉर्निया। किसके होता है, बिहाइंड कॉर्निया के होता है, देख रहे ना आप, फिगर देखिए, ये कॉर्निया हुआ और कॉर्निया के पीछे एक कलरफुल क्या होती है, ओपेक्यू मीडियम होता है, एक ओपेक्यू पिगमेंट होती है, ये रंगीन होती है, इस पे कलर रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। समझ में आई बात, इसको हम क्या बोलेंगे, आयरिस बोलते हैं। अब आयरिस का काम क्या है, आयरिस का काम यही है कि अगर आयरिस ब्राउन है तो आंख ब्राउन होगा, भूरा होगा, अगर आयरिस ब्लैक है, यानी कि जो आयरिस का कलर होगा वही कलर आपके आंख का होता है, वही कलर किसका होगा स्टूडेंट, आपके आंख का होगा। तो आयरिस का जो कलर है रिस्पॉन्सिबल है आपके आंख के कलर के लिए। आपका आंख कैसा दिख रहा है, भूरा दिख रहा है, वो कौन बताएगा, आयरिस ही बताता है, ठीक है ना। अब होता है क्या स्टूडेंट, प्यूपिल, क्या ये प्यूपिल, आप लोग देख रहे होंगे कि जो आयरिस है, आयरिस, तो आयरिस के अंदर एक स्लिट है, एक क्या है, स्लिट है, तो इस स्लिट को हम क्या बोलते हैं, एक छेद होता है आयरिस के में, क्या होता है आयरिस के बीचों बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है, और इसी छेद को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूपिल। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्यूपिल बोलते हैं। बात समझ में आया, तो सबसे पहले क्या हुआ, कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे क्या हुआ, आयरिस, आयरिस में क्या हो गया, छोटा सा छिद्र हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। अब लाइट देखो, सबसे पहले कॉर्निया पे गिरा, अब किस पे गिरेगा, अब किस पे गिरेगा भाई, स्लिट पे गिरेगा, यानी कि प्यूपिल पे, ठीक, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका आकार या छोटा बड़ा भी होता है, ठीक है ना। प्यूपिल जो होता है इसका आकार क्या होगा, छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा बड़ा होगा, और किसके मदद से होगा, किसके मदद से होता है, आयरिस की मदद से, ठीक है ना, ऐसे सिक्योरिटी भी रहती है ना, इस तरीके से हो जाता है। हाँ, अगला है आई लेंस। अब आपको पता है जो हमारा ह्यूमन आई होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक कन्वेक्स लेंस पाया जाता है, जो क्या करता है, इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का उल्टा, ठीक है, और किसका बना होता है, टिश्यूज का बना होता है, ट्रांसपेरेंट टिश्यूज होता है उसी से बना होता है, और ये ट्रांसपेरेंट टिश्यूज है ये क्या बनाते हैं, लेंस बनाए, जो लेंस होता है सिलरी मसल्स से, बिल्कुल सिलरी मसल्स देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सब क्या है, सिलरी मसल्स है, और इन्हीं के बीच में झगड़ा रहता है, लेंस हो गया सिलरी मसल्स क्या है, इसको बिल्कुल टाइट करिए, जिससे लेंस क्या हो, हिले डुले ना, लेंस क्या हो, हिले डुले ना, अब ठीक है ना, ये क्या हो गया, सिलरी मसल्स। अच्छा, जब ये लेंस आपका फैल जाता है, देखो अभी लेंस ऐसा था, अभी कभी आपने देखा होगा जब धूप में जाते हैं तो आपको, आपको क्या कहते हैं, सिकोड़ देते हैं, या जब भी आप डार्क में जाते हैं आपको क्या कहते हैं, फैला देते हैं। क्यों फैलाते हैं भाई, क्यों फैलाते हैं बताओ, कोई वजह था, नहीं था, यही होता है कि जो सिलरी मसल्स होती है लेंस के फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट करती है, ये क्या करता है, सिकुड़ जाएगा, जब ये सिकुड़ जाएगा तो लेंस आपका ऐसे हो जाएगा, जब ये फैल जाएगा तो लेंस आपका ऐसा हो जाएगा। दूर को देखना है, आपने कभी सोचा होगा ना, देखे होंगे कि जब दूर की वस्तु को मैं, मुझे देखना पड़ता है, दूर की वस्तु को देखना है तो आपको ऐसे फैला के देखते हैं, लेकिन जब नजदीक देखना क्या है, ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से। तो दूर देखना क्या, जब ये फैलेगा, जब ये फैलेगा तो लेंस की फोकल दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो फोकल होगा, फोकल देखो ये इतना बड़ा हो गया, अच्छा नजदीक देखना है तो लेंस को क्या करना पड़ेगा, छोटा सा फोकल बनाना पड़ेगा, तो सिलरी मसल्स क्या करती है, लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, ठीक है। तो आई लेंस हो गया स्टूडेंट, और क्या हो गया, सिलरी मसल्स। अब ये क्या करता है, जो ये लेंस है, जो आई लेंस बना है, कन्वेक्स लेंस होता है स्टूडेंट, याद कर लो, आई लेंस कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, और किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट टिश्यूज का बना होता है, ओके, और सिलरी मसल्स के बीच में क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेच रहता है, टाइट रहता है। जो ये लेंस है ये ह्यूमन आर्गन को, ह्यूमन आर्गन, ह्यूमन आई को
दो पार्ट में बांटता है, एक पार्ट इस तरफ आता है, एक पार्ट उस तरफ आता है। तो ये कार्निया और लेंस, कार्निया और लेंस के बीच में क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। किसके किसके बीच रहता है एक्वस ह्यूमर, बहुत ध्यान देखिए, एक्वस ह्यूमर किसके किसके बीच रहता है, कार्निया के बीच में रहता है और लेंस के बीच में रहता है। और एक्वस ह्यूमर, सॉरी हाँ यस करेक्ट हो गया। अब एक होता है विट्रियस ह्यूमर, ये कहां पे होता है, यहां पे आई लेंस होता है और पीछे आपको क्या यहां पे दिख रहा है, रेटिना। तो आई लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है, लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, विट्रियस बोलते हैं। कार्निया लेंस के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम एक्वस ह्यूमर। और इन दोनों का काम क्या है, नमी बनाओ। इन दोनों का काम क्या है, आंखों में नमी बनाओ। तो मुझे लग रहा है कि बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इनका काम क्या है, आंखों में नमी बनाना, आंखों में क्या बनाना, नमी बनाना। ठीक है मास्टर हो गया। अगला है ब्लाइंड स्पॉट। क्या स्टूडेंट, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, एक कोन के बारे में। हमारे आईज में दो कोन पाया जाता है, इसको बोलते हैं आई कोन। क्या बोलते हैं, आई कोन बोलते हैं। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो होता है स्टूडेंट, आप लर्न कर लीजिए, अभी मैं बता रहा हूं यहां पे। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि ये देखो, ये ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि यहां से ऑप्टिकल नर्व सब निकलती हैं, जितने भी ऑप्टिकल नर्व देख रहे हैं सब क्या करती हैं, ब्लाइंड स्पॉट को छोड़ करके आगे भागती हैं। ठीक है ना, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट से ही ऑप्टिकल नर्व कहां निकलती हैं, आगे जाती हैं। और यहां पे कोई इमेज नहीं बनता, अगर कोई इमेज बन भी गया ना तो सेंस नहीं हो पाएगा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा ऑप्टिक ह्यूमन कैसा कहें मस्तिष्क को, जो हमारा होता है मानव का, उसको कोई, आपको पता है सब बात। ठीक है, तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है यहां पे नो कोन, ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, कोई भी कोन नहीं पाया जाता, यानी कि ना तो रॉड कोन, ना तो फिर बताऊंगा मैं आपको आई कोन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, या तो फिर भी बताऊंगा। अगला है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट में क्या होता है, ये रेटिना पे पाया जाता है, जो रेटिना होता है ना, इसी रेटिना पे क्या होता है, येलो स्पॉट पाया जाता है। रेटिना पे जगह होगा इसका, और यहां पे कोन होता है, यहां पे क्या होता है, कोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोन का। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ह्यूमन आई का, वो क्या होता है, सिरेटिक होता है, और ये क्या करता है, बाहरी आघातों से हमारे ह्यूमन आई को प्रोटेक्ट करता है, अगर कोई स्टेनियल मेटल हो गया तो प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड क्या होता है, कोराइड होता है, कहां रहता है, सिरेटिक के पीछे रहता है। ठीक है, ब्लैक पिगमेंट होता है, काम क्या है, रिफ्लेक्शन को रोकना। और इसका जो सिरेटिक होता है, इसकी जो सामने का जो पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हम कार्निया बोलते हैं। लाइट सबसे पहले किस पे गिरता है, कार्निया पे गिरता है। अब कार्निया के पीछे क्या होती है, एक ओपेक्यू कलरफुल पिगमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरिस। और आयरिस का कलर ही, आयरिस का कलर किसको रिस्पॉन्सिबल करता है, ह्यूमन आई के कलर को। अब इस आयरिस के बीच में क्या होता है, छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल की साइज कम ज्यादा होती रहती है, किसके अनुसार, लाइट की इंटेंसिटी पे। ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट होगा तो छोटा हो जाएगा, कम इंटेंसिटी लाइट होगा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, छिद्र बड़ा हो जाता है। अब ये क्या होता है, डबल फोकल लेंथ का एक लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होता है, सिरे मसल से क्या होगा, ये बिल्कुल फिक्स रहता है। और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा भैया, इधर क्या होगा बच्चा, विट्रियस ह्यूमर, इधर क्या होगा, एक्वस ह्यूमर। ठीक है ना, अब एक इसका पार्ट होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, रेटिना। रेटिना जो होता है एक स्क्रीन है, रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर बनता है इमेज। और इमेज कैसा बनेगा, ध्यान देना, इमेज बनता है आपका इन्वर्टेड इमेज, यानी कि ये जो आंख जो होता है, इसमें जो लेंस होगा, लेंस इमेज कैसा बनाता है, लेंस इमेज कैसा बनेगा, उल्टा। आपको पता है एक ही चीज को छोड़ करके, एक ही कंडीशन को छोड़ो, और इमेज हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है ह्यूमन आई में। तो इमेज कैसा बन गया, उल्टा बन गया ह्यूमन आई में। ठीक है ना, अब देखो जब ये इमेज उल्टा बन गया तो क्या ये हमें उल्टा दिखाई देता है, न्यूरोरेफर इज नो, बट ऑप्टिक नर्व इसका इंफॉर्मेशन क्या करता है, सीधे बिल्कुल दिमाग के पास पहुंचाता है, मस्तिष्क के पास, हेड के पास। नर्वस सिस्टम ऐसा इतना अच्छा मैकेनिक्स है हमारे इसका, सर का मैं क्या बताऊं। सोचो इमेज उल्टा बनता लेकिन दिखता कैसा है, कैसा दिखता है बोलो। तो योर आंसर इज व्हाट, इरेक्ट। आप कहेंगे सर उल्टा नहीं दिखता है, सीधा दिखता है।
तो ये होता है प्रोसेस ह्यूमन आई का। ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन जैसे भेजेगा मस्तिष्क के पास, उसको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा और उसका इमेज कैसा बनाएगा, सीधा बना देगा। ठीक है, तो ये था ह्यूमन आई का स्पेशल पार्ट जिसके बारे में मैंने बताया। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आज हम फिर मिलेंगे, लेक्चर बड़ा नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे हम लेकर के कुछ कह सकते हैं ना कि साइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होगा, ठीक है, नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, विजन रेंज क्या होता है, आप कहां तक देख सकते हैं कहां पे नहीं देख सकते हैं, उसका कंडीशन क्या है, और मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या, मतलब आंख में अगर कोई दोष पैदा हो गया, डिफेक्ट आ गया आपकी आंख में, तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। तो इन सब बातों में हम क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्ट लेकर आएंगे, बट आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप भी उस लेक्चर को देखे होंगे लास्ट तक, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इफ यू हैव एनी डाउट, आपका कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।